महेश्वर में निमाड़ की शान हजरत सैयद बेंगलोरी मस्तान के 8वें उर्स का आगाज मद्रासी बाबा ग्राउंड के बड़े ही धूमधाम से और बड़े ही शाही अंदाज में चादर निकाल कर किया गया। शहर और बाहर से आए मस्तान के चाहने वाले चादर में एहतराम के साथ शामिल हुए। चादर शरीफ मद्रासी बाबा ग्राउंड से निकाली गई, जो मोमिनपुरा किला मार्ग नर्मदा घाट मार्ग से जय स्तंभ चौराहा होते हुए हजरत सैयद बेंगलोरी मस्तान के आस्थाने पर चादर व संदल पेश किया गया। इसी दौरान रास्ते भर चादर का फूल उड़ाकर बाबा के चाहने वालों ने स्वागत किया। जय स्तंभ चौराहे पर शहर मुस्लिम जमात द्वारा मस्तान दरगाह कमेटी के सदर इकबाल शेख और उनके साथियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। मस्तान के आस्थाने पर चादर और संदल पेश होने के बाद मोहम्मद शहीद बाबा की जानिब से लंगर किया गया। शहीद बाबा ने बताया कि मस्तान के पर्दे के बाद से ही 8 वर्षों से उर्स में 2 दिन का लंगर का एहतमाम करते आ रहे हैं। वहीं सूफी संत तो ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चादर में प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसमें तहसीलदार मुकेश बामनिया, थाना प्रभारी पंकज तिवारी अपनी टीम के साथ सुरक्षा में मौजूद रहे। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। जो आज बेंगलोरी मस्तान साहब का जो उर्स का आगाज हुआ है, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? इस उर्स से सरकार के पर्दे के बाद से लंगर करते हुए आ रहे हैं। 20 तारीख का लंगर करता रहता हूँ यहाँ पर, जैसी भी टूटी फूटी खिदमत होती है खिदमत करके घर चले जाते हैं। ये लंगर कब तक चलेगा? ये लंगर 19 से 20 तक का लंगर हमारी तरफ से होता है, फिर कमेटी का लंगर कमेटी अलग से करती है।
कब से करते आ रहे आप ये लंगर को? सरकार के पर्दे के बाद से 8 साल हो गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।